पार्षद प्रत्याशी सोहेल उर्फ रजलू की ओर से मुफ्त नेत्र जांच शिविर का आयोजन, दर्जनों लोगों ने लिया लाभ। वार्ड नंबर 19 के पार्षद प्रत्याशी सोहेल उर्फ रजलू की ओर से आज मुफ्त नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के नेता मुख्तार खान व हाजी जमीर आरिफ, समाज सेवी जूली परवीन पहुंचे और पार्षद प्रत्याशी को फूलों का माला पहनाकर सम्मान व हौसला बढ़ाए। इस मौके पर दर्जनों लोगों ने मुफ्त में अपनी आंखों की जाँच कराई। यह कैंप नया बाजार गद्दी मोहल्ला मिडिल स्कूल के प्रांगण में लगाया गया। वहीं मीडिया से बात करते हुए पार्षद प्रत्याशी सोहेल उर्फ रजलू ने बताया कि जांच के दौरान जिन लोगों को मोतिया बिंद की समस्या होगी तो उन्हें हेल्थ कार्ड के माध्यम से मुफ्त इलाज कराया जाएगा। क्या कुछ के आयोजन? आज हम लोगों ने वार्ड नंबर 19 में हाई कैंप का आयोजन किया है, जिसमें अब तक हम लोगों ने लगभग 40 से 45 आदमी का ये आई के जांच हो चुकी है और जिन जिन लोगों का मोतियाबिंद का शिकायत भी है तो उन लोगों को हेल्थ कार्ड जिनका है उनके मतलब हम लोग डॉक्टर साहब जो आए हैं टीम डॉक्टर लोगों का वहाँ हॉस्पिटल में फ्री ऑपरेशन करने का काम किया जा रहा है। अब तक कितने का हो चुका है? अब तक हम लोगों ने लगभग 40 से 45 आदमी का यहाँ पर जाँच हो चुकी है। वार्ड नंबर 19 के लोगों को ये सूचना देना चाहता हूँ कि किसी तरीके का कोई भी परेशानी है कि किसी चीज़ भी सरकारी जो लाभ नहीं मिल पाया है तो हम लोग हर शनिवार को एक कैंप का आयोजित कर रहे हैं। जिनका नहीं है वो हमारे जो जो एड्रेस हम लोग दिया है उस एड्रेस पे पहुँच के सरकारी योजना का लाभ लें। और अभी तक कितने का हो चुका है? अभी तक तो हम लोग का 45 आदमी का यहाँ पे जांच हो चुका है। और कितने का लक्ष्य है? लक्ष्य तो हम लोग का लगभग 150+ अगर हो जाएगा तो और बेटर है। और इसके बाद जो कोई योजना है क्या? अभी हम लोगों का 11 तारीख को इसी जगह मिडिल स्कूल में ही हेल्थ कार्ड का आयोजन कर रहे हैं हम लोग और 18 तारीख को यतीमखाना रोड में, 25 तारीख को रमजान मंजिल में हेल्थ कार्ड का ही आयोजन करेंगे हम लोग, बनाने का काम करेंगे।